तो यार मैं अपनी शर्त के साथ टॉप 5 सीक्रेट लेके आ चुका हूँ। तो यार शुरू करते हैं और टॉप 5 सीक्रेट के साथ। तो चलो 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 ओके। तो हमारा पहला जो सीक्रेट है ना वो ये है कि हमें आप लोगों से कह ये फार्मूला है जो हमें एंड गेम पे मिलता है। इस फार्मूले का हमें कोई ज़्यादातर तो कोई काम नहीं होता, लेकिन इस गेम में आप मोटे भी हो सकते हो, मतलब पतले। जो मोटा बनना चाहता है यार फिर भी विदाउट, ये एक सीक्रेट है कि आप इसमें मोटे भी हो सकते हो। नंबर 5 पे हमारा ये सीक्रेट आता है यार, ये बहुत सीक्रेट है यार। इसमें भी और सीक्रेट है, ये सीक्रेट नहीं है सिर्फ, इसके अलावा भी एक दो तीन और सीक्रेट हैं। तो यार आप लोग जितने देखोगे वीडियो तो अपने अगले तो गाइस पिछले सीक्रेट में आपने देखा कि ये तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है यार, इसके बाद वाला अभी मैं आपको दिखाऊंगा यार। एक्चुअली आप लोगों ने सोचते हो कि आइसक्रीम 3 के बाद आइसक्रीम 4 आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको अभी से गारंटी 101% बता देता हूँ, अगर आ नहीं होती तो अभी तक आ जाती, क्योंकि आइसक्रीम 3 आइसक्रीम की जो सीरीज है वो यहीं पर एंड हो चुकी है। इसका सबूत मैं आपको यहाँ अभी अभी दूँगा। ये देखो जब आप यहाँ चल के जाते हो यहाँ पर बबलू रोड, आपको बबलू समझ जाते हैं, इस वजह से वो एनिमेशन नहीं आती। जाओ जाओ अभी तो अभी असल सीक्रेट आने हैं। ये देखो अभी इसके पास जाता है, ये रोड इसे बबलू समझ के फ्रीज कर देता है और ये कहानी आइसक्रीम 3 की यहीं एंड हो जाती है। आइसक्रीम 3 क्या पूरे आइसक्रीम की सीरीज जो थी उसकी कहानी यहाँ पर एंड ही हो जाती है यार। तो यार अगले हमारे सीक्रेट की जब यार अगला सीक्रेट ये है कि इसका एक क्रोकोडाइल भी है। ये देखो अभी सोया हुआ है। तो ये आइसक्रीम थ्री का इसको थोड़ा पास जाओगे ना इसके, जैसे अभी मैं पास नहीं गया, अब इसके थोड़ा पास जाओगे ना उठ जाएगा, देखा उठ गया ये। तो गाइस अब अगले सीक्रेट की तरफ चलते हैं। तो यार अगर हम एक और चीज़ करेंगे ना, अब हमें तो हम मेरे ख्याल से नंबर 2 का जो सीक्रेट है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, लेकिन ये सीक्रेट बड़ा है। ये मैं कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ सीक्रेट बड़ा है, लेकिन इसका अगर आप करोगे तो आप गेम में कुछ भी नहीं कर सकोगे। एक गेम में सिर्फ एक अपनी गेम लगाएगा ना, जो एक लगाए हार गया या पार हो गया अगली गेम का उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी गेम लगाओगे अगली। तो यही मैं कहने में लगा हूँ कि अगली गेम में कोई लेना देना नहीं है। तो यार मैं इसको जल्दी से टेम करता हूँ, मतलब तो गए ये सीक्रेट जब गाड़ी का है, अब ये आ गया ना मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। तो ये सीक्रेट गाड़ी का है, ये देखिए रोज इसको नहीं देख सकता, कितना बेवकूफ़ बंदा है, इसको देख लेता है तुम्हारा गेम ही ख़त्म हो जाती यार, वरना एक रिनेयर वाला बंदा यार बाय द वे सीक्रेट अच्छा है। ये देखो अब मैं इसको जो धक्का दूंगा ये खोल गया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रहा, यहाँ पर अंदर जा ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर यहाँ पर ये आएगा और मुझे धक्का देगा ना, ये मुझे बबलू से अंदर यहाँ पर जाना चाहिए। देखो मुझे धक्का दे रहा है, अब मैं यहाँ बैठा या ये कर लेगा, अभी ये मैं बैठा ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यानी कि और ये जला गया। तो यार बाय द वे आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, आप रोड से बिल्कुल सेफ हो, लेकिन आपकी गेम भी यहाँ एंड हो जाएगी। तो गाइस अगले अपने अगले सीक्रेट के चलते थे यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट था अभी वाला। तो गाइस नंबर 1 पे आता है रोज की मदर। गाइस रोज की मदर आप सबको पता है क्या, किसी को नहीं पता, लेकिन रोज की मदर है इवन नन। और ये गेम जब एंड होती है यानी जब ये इसकी सीरीज ख़त्म हो जाती है, ये जा रहा होगी चल रहा होता है जो भी चलेगा, मैं आपको बताता हूँ जरा ये चल रहा है। तो ये गेम पूरे तरीके से यार एंड हो चुकी है, बस एक थोड़ी सी कदर रह गई है। ये अब स्टोरी के बारे में बता रहे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, ये देखो सिनेमा और काफ़ी कुछ सारा कुछ यार। यार ये अभी ख़त्म हो गया ना, ये देखो ये इस बच्चे रोज किसी के बच्चे से जेलस हो रहा है शायद, ये नहीं स्टोरी का नहीं मुझे पता। ये रोड है, ये तो पक्का ही रोड है, ये गारंटी से कह रहे हैं ये रोड है। ठीक है भाई रोड ओके भाई, जब ये गेम एंड हो जाती है ना यहाँ पर कैंपिंग मेन सेंटर है, यहाँ पर इवन नन आती है,
भाई ये इवन नन ही मदर है रोड की, रोड की मदर, और ये बड़े भयानक रूप में आती है यहाँ पर। It's over. यहाँ पर Finally, the waiting time is मेरे ख्याल से ये इवन नन सिस्टर एंडा मुझे लगती है, लेकिन मैं इसको इवन नन ही समझूंगा क्योंकि सिस्टर एंडा का रोड से कोई रिलेशन नहीं है। तो इवन नन जो है कि कहानी और रोड की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो यार आज के लिए इतना ही था, तो गुड बाय।
It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son.